भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे एक बात बताओ, अच्छा होता है जब सुबह सुबह करते देखो, एनर्जी कुछ अलग रहती है कि नहीं? एनर्जी है कि नहीं अलग? दोपहर को शाम को कौन करना चाहता है शो? सुबह सुबह किया करें। हाँ जी, पता है मेरी वजह से इसको 5-स्टार होटल में रह रहा था। तो खर्चा हो गया ना आपकी वजह से। खर्चा तूने कौन सा करना है? सलमान ने करना है। तेरी जेब से एक फूटी घोड़ी नहीं जाती कहीं। सही बोला अक्षय, एब्सोल्युटली राइट। सही है कि नहीं? एब्सोल्युटली। बताओ अबे, मेरा इंट्रोडक्शन दो। आज पता आपकी वजह से हमने सूर्य नमस्कार नहीं किया, सूर्य ने हमें नमस्कार किया है। अरे बाकी सबका ठीक है। एक बात बता, तूने एक सूर्य नमस्कार करके दिखा दे। चल, जो तूने बोला है ना अभी, एक एक सही सूर्य नमस्कार। अबे नीचे नीचे तक पहुंच। अरे वाह 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 भाई, सब आ गए, कोई चक्कर नहीं। अर्चना जी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? मठ से आना होता है ना। और वो भी इन्होंने कहा था, इन्होंने फेरी पकड़ के आते हो ना? नहीं नहीं, अभी तो गाड़ी से सुबह सुबह। सच बताओ ना, दूध वाले से लिफ्ट लेके आई। और आपको पता है कितना मुश्किल होता है लगातार 1 घंटा 25 मिनट दोनों टांगे ऐसे करके रखना, क्योंकि दूध वाले बर्तन होते नीचे। हाँ, तू 5-स्टार में रहे और मुझे दूध वाले से लिफ्ट दिलवाए तू। हाँ। मैं लेकिन पाजी एक बात पूछना चाहता हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है, तू ले ले। नहीं, नहीं मतलब हमेशा हर शो में मेरे पैसों के पीछे पड़ा रहता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भगवान बेटा, अगर मेरे पैसे कहीं चले गए ना, तो पकड़ूंगा तेरे को ही। नहीं मैं ये बोल रहा था कि भाई सब ऐसा ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं उठोगे तो शटर नहीं खुलेगा, दुकान नहीं चलेगी, ऐसा भी कोई दुकान नहीं है। पानी भी नहीं भरना उठ के सुबह। हाँ। तो मतलब इतनी सुबह क्यों भाई? मुझे बताओ सुबह में प्रॉब्लम क्या है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? हाँ बेटा, हाँ 7 o'clock। 7 स्कूल कितने बजे होता है? कितने बजे सोते हो? 9 o'clock सो जाते हो ना? अब ये आदत आप आगे तक रखोगे जब तक आप बड़े होगे, कि इसकी तरह हो जाओगे कि लेट उठना है? ऐसे ही रखोगे ना, तो हमेशा अपनी आदतें ऐसी रखनी चाहिए ना, सुबह उठो, काम पे जाओ या स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ। क्यों आदमी बदल जाता है, मुझे बता सकता है क्यों बदल जाता है? हाँ, शादी के बाद बदलते हैं? नहीं, शादी से पहले ही बदल जाते हो आप लोग। कपिल को मैं शादी से पहले जानता हूँ, वो तब से बदला हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू करता क्या 9 बजे के बाद इधर? मैं ऐसी क्या आफत है जो तू सोता नहीं? टिकटॉक पे जाता है। टिकटॉक? नहीं टिकटॉक पे नहीं जाता। हर रात को कितने बजे सोते हो? कपिल कितने बजे सोता है तू? अरे 2:30 तो बजी जाते हैं। क्यों? अच्छा यहाँ यहाँ 2 बजे सोने वाला कौन कौन है, हाथ ऊपर करे। हाँ जी मैडम, आप क्यों सोती हैं? मैं रात को पूरा अपना जितना भी डाटा है वो सब खत्म कर देती हूँ। अच्छा, मोबाइल पर? मोबाइल में लगी रहती हूँ। अच्छा, ये डाटा जो है वो रात को, मतलब उससे पहले नहीं होता? 9 बजे से पहले जॉब में बिजी होती हूँ ना। अच्छा, तो बीच बीच में डाटा में क्या क्या होता, क्या करती हैं आप? सर कुछ फेसबुक अपडेट, इंस्टाग्राम। तो उसके लिए आपको 4 घंटे चाहिए? सर मेरे लिए तो पूरे 24 घंटे भी कम है। देखा, दुनिया ऐसी भी है, आप नहीं मिलते हो बस उनसे। मैं वो आपकी बच्ची है साथ में? सर मेरी बेटी और बेटा ये बैठे हैं, सिस्टर। हाँ जी, बेटे और बेटा। आप कितने बजे सोते हो बेटा? 9 बजे सो जाते हैं। आप भी बेटा डाटा पे किया करो काम। आज के बाद आप भी 2 बजे तक सो, और जब तक ये खुद नहीं कहेंगे ना बेटा अच्छा मैं भी 9 बजे सो जाऊंगी, तब तक आप भी करते रहना। चलिए मैं भी शायद फैमिली बन जाती, परिवार, 2 बच्चे हैं, पापा का डाटा तो आपने खत्म कर दिया।
I mean, सारा जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है इंसान. Thank you, sir. शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे फेवर में बात की. पाजी फिल्म बड़ी कमाल की लग रही है जी, और बाला का कैरेक्टर तो इतना फेमस हो गया अभी से. Thank you. पाजी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको बाला के गेटअप में रोज रेडी होने के लिए? करीबन 35 से 40 मिनट. क्या बात है, बड़ा पॉपुलर हो गया पाजी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए. अब वक्त है फिल्म हाउसफुल 4 से कुछ और स्टार्स को यहाँ पे इनवाइट करने का. सो प्लीज वेलकम माय बिग ब्रो बॉबी देओल और चंकी सर के लिए. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. कपिल कपिल कपिल, मैंने अभी है ना चंकी को देखा डांस करते हुए, ये गाना वापस लगा. चंकी तू सोलो करेगा, कोई नहीं करेगा. ये बीच में आ. गेट रेडी, 1 2 3 4. वैसे स्टेप कुछ अलग था लेकिन आपने कुछ अलग कर दिया. चंकी का वर्जन है. लेकिन आपका स्टेप बेटर था. वैसे मैं आपका गुरु जी हूँ ना. मेरा गुरु है. जहाँ हम एक्टिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, तो वहाँ के सीनियर थे ये. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्टिंग इनसे सीखी. तो बिगिनिंग के 10 साल जो थे मेरे करियर के, वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी वक्त की. और देखो आज जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बना है मेरी वजह से. उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है, उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ. मम्मा मिया ही जोकिंग. रितेश, आपने और बॉबी पाजी ने सुबह एक वीडियो डाला था जी. आप काफी जल्दी पहुंच गए थे. बहुत जल्दी, 7:30 बजे. क्या मकसद था आपका उस वीडियो डालने के पीछे? नहीं, क्या है कि चश्मे आप उतार नहीं रहे क्योंकि नींद आपको आई हुई है. नहीं नहीं, नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जागा, मैं एक्चुअली सो गया हूं अंदर. और हम लोग सुबह जल्दी आए, कहा गया कि 7:30 बजे पहुंच जाओ. इनको किसी ने गलत इतला किया था कि 7:30 बजे आना है. एक्चुअली 7:30 नहीं था, 9 बजे की शिफ्ट के लिए. 7:30 पता नहीं क्यों आ गए. आई थिंक हमको कहा गया था कि एक बहुत मिस्टर पंक्चुअल है जो हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं. ठीक है, उससे देखो इस इंसान को. तो उस चक्कर में तेरी भी आंख खुल नहीं रही. गुड मॉर्निंग पाजी. गुड मॉर्निंग. इतनी जल्दी आप आ गए, क्या बात है. वैसे इसको बोलते हैं दूध वाला शिफ्ट. दूध वाले के साथ आ रहे हम. चंकी सर क्या बात है, आपने आज जो तकिए की जैकेट बनाई ना. आज एक्चुअली सब बड़ा जल्दी उठे हैं. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पाजी. आप देख सकते हैं क्या क्या तैयारियां की हमारे लोगों ने. कप्पू शर्मा, सोने से पहले ये तो बता दो यार कि कल अपने मोहल्ले में शूटिंग पे आ कौन रहा है. कल अक्षय कुमार. क्या, कितने बजे आ रहे हैं अक्षय कुमार? 6 बजे आ रहे हैं और हम सबको 4 बजे उठना है सुबह. अरे कप्पू शर्मा एक बात बताओ, अगर ये अक्षय कुमार हमारे शो में ना भी आए तो ऐसा क्या मतलब, चलेगा ना? 100 में से 50 एपिसोड करते हैं उनके साथ, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन यार इतना सुबह सुबह उठा नहीं जाता. 3 लड़कियां भी आ रही उनके साथ. तो सोना किसको है? सोना किसको है? फिर है सोना नहीं है, जागते रहो जागते रहो. मैं कब सो रहा हूँ, मैं जाग ही रहा हूँ. वैसे एक बात बताओ यार, ये अक्षय कुमार 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं तभी वो अक्षय कुमार हैं. तो कोई बात नहीं, 8 बजे उठकर महेश कुमार बन जाओ. मैं 4 बजे कैसे उठूंगी, मैं तो सोती 3 बजे हूँ. जितनी तो है, आधे घंटे की नींद काफी है तेरे को. लेकिन कपू कल मैं ऐसा क्या करूँ कि एपिसोड एकदम मजा आ जाए? तू आई ना, बड़ा मजा आएगा. कपू यार बी सीरियस ना. तू एक काम करना, कल ना माधुरी दीक्षित की अच्छी साड़ी ढूंढ, वो पहन के उसका डांस खराब कर. ये सब सुनली तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना, तू क्या करेगी कल? मैं ना एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहन के चांद पे जाएगी. अबे एडी वही करेगी जो रोज करती है मसाज. इस बार तो मैंने दुबई से तेल का कुआं भी मंगवाया क्योंकि बड़ी स्टार का स्टार ही ना 7 लोग आ रहे हैं. पूरा कुआं मंगवाया तुमने? हाँ. बुरी, तुम तो इन दोनों को लेके ना नागपुर निकल जाओ. क्यों? मैं बोल दूंगा उनका कोई जरूरी एक्सीडेंट हो गया उधर गए. अरे नहीं नहीं, हीरोइन भी आ रही है यार, ऐसे कैसे मिलेंगे कल. कपू मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने. ठीक है यार, हम भी अपना हम लोग भी सोते रहे. तो लोग ना चादर भी नहीं रखते, ठंडी बहुत लगती. <laughs> <laughs> <laughs>
अरे यार सुबह सुबह शूटिंग रख दिया, एक तो प्रेशर नहीं बन रहा है, ऊपर से दूध बांटने भी जाना है, इनका धंधा हो जाएगा। बच्चा 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 रुको रुको, यार यार शरीफ एंटी में पानी नहीं आ रहा। अरे तो क्या हुआ, तो टाइम नहीं है बच्चा, अक्षय कुमार शूटिंग पे आ रहे हैं, छोड़ो। अरे तू क्या, अरे अरे सुनो भाई, अरे चंदू, अरे चंदू सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे चंदू, अरे यार चंदू वो पानी नहीं है, वो हरी मिर्च का चटनी है जो हम फेंकने जा रहे थे, सामने मंगलयान बन के घूमना जब जलेगा नीचे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अक्षय कुमार आ गए? नहीं सर। रितेश देशमुख? नहीं सर। चंकी पांडे? नहीं सर। अर्चना जी आ गई? नहीं सर, अनु मलिक जी आए। वो मेकअप के पहले अनु मलिक लगती हैं, उनको बोलो मैं आ गया। नहीं नहीं सर, असली वाले अनु मलिक जी आए। अनु मलिक यहाँ पे क्यों आए सर? इंडियन आइडल के जज है ना सर। हाँ तो ठीक है, वो बच्चन साहब भी केबीसी के होस्ट है, वो तो नहीं आते, ये क्यों आए मतलब? सर ये इंडियन आइडल का सेट है। अच्छा, कपिल शर्मा शो, वो मेरे को छुड़वा दो फिर, उधर गलती से आ गया नींद में, छुड़वा दो। सर हमारा ना शुरू होने वाला है, तो हम लेट हो जाएंगे। तो तुम्हारी वजह से जो हमारा रोज लेट होता है, वो ये 3-4 महीने चलता है इंडियन आइडल, एक साल पूरा लगातार अपना ही चलेगा। फोटो मिलेगा लेकिन? फोटो मैं लेके नहीं आया आज। ओह गॉड, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सबके कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो गए हैं सोशल मीडिया पे, सबके अलग अलग गेटअप जो है सर, है क्या वैसे सबके किरदार क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए आप। चंकी, हम सबके बारे में आप बताएंगे आज? बिल्कुल, सबके बारे में। हाँ तू ही बताएगा बेटे, हम तो हम जानना चाहते हैं तू क्या जानता हमारे पिक्चर के बारे में। वैसे मेरे डबल रोल है इस पिक्चर में, दो दो चंकी पांडे, आई मीन दो दो पास्ता, एक पहला पास्ता और एक आखिरी पास्ता, राइट? सीधा बोलना यार, सीधा बोलना। क्यों तो ओवर एक्टिंग क्यों करता है यार? मैं एक्टिंग की दुकान हूं। चंकी नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। वास्को डा गामा मेरा मामा, सुनेगा ही नहीं। वैसे कुछ नॉर्मल चीजें होती नहीं है, लेकिन जी हाँ, इसमें दो पास्ता है, पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। एक पास्ता अभी पैदा होता है और एक 600 साल पहले पुराना। और मैं इनका नौकर हूं इस पिक्चर में, और अगले जन्म में मैं जाके इनका बॉस बन जाता हूँ। I'm a jokey. नहीं नहीं, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ पिक्चर में। अच्छा, तो ये था मैं पास्ता। रितेश बाबू, कहानी यही है कि पुनर्जन्म में क्या होता है, तो 600 साल पहले मैं बांगड़ू महाराज बना हूँ। हाँ, बड़ा मजेदार करेक्टर है जी, बांगड़ू महाराज, जो थोड़ी महाराज भी है। और वो इसलिए वैसा है क्योंकि उसे मौका मिलता है कि वो राजकुमारियों के पास रहे, और सारी चेकिंग ये कर चुके हैं। ऐसा फिल्म में डायलॉग है, बांगड़ू मर्द है। और क्या? और हमने स्वयं इसकी जांच पड़ताल की है। ये ऐसा लिखा डायलॉग है, ऐसी लाइनें हैं। और मेरा रिएक्शन भी ऐसे कि क्या। और बॉबी भाजी, हम तीनों सौतेले भाई हैं। अच्छा जी, वो है ना? हाँ है। और कनेक्शन बताइए आप, कनेक्शन कैसे? मैं और मम्मी, she's the mother, मम्मी, हाँ, ये माँ है, माँ मम्मी है। अच्छा, मैं एक कहानी बताता हूँ, ये माँ है, इनको पता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, भूल गई थी मैं एक्चुअली। अच्छा, 600 साल पहले की बात है ना? हाँ, आपके तीन बेटे हैं। हाँ, करेक्ट। आपने ये फिल्म भी की है? हाँ, इनकी इनकी तस्वीर है, भूल गई थी मैंने की है, तस्वीर है माला के साथ। तो इनकी माँ अर्चना जी और पिता, अर्चना जी पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं। पिताजी है क्या, माता जी है? वो अभी रिलीज के बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा ही कुछ बताया था। ओके, कि इनकी माँ इनके पिता को छोड़ के भाग जाती है, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, उन दोनों की शादी, तो फिर मैं पैदा होता हूँ। अच्छा, और टेक्निकली सब भाई हैं, सब भाई, पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, जो व्हाटएवर। एक तो मतलब सुबह 4 बजे उठ जाता तो समझ में नहीं आता पूरा सीक्वेंस है क्या। एनीवेज, अच्छा रितेश, एक सीन में आप अक्षय पाजी को तहखाने में से तलवार निकाल के दे रहे हैं। एक तो छुरी रखने वाली जगह पे आपने तलवार रखी। फिर आपको डर नहीं लगा कि अगर नाड़ा कट गया
तो सारा खजाना दिख जाएगा। नहीं भाजी, मैंने एक चीज देखी अक्षय भाजी, आपने भी नोटिस किया होगा, रितेश को जब ऐसे करेक्टर मिलते ना, शरारती नॉटी वाले, आपके चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आती है। चलो रितेश, इससे एक चीज साबित होती है कि या तो आप रियल लाइफ में बहुत शरारती हो, या फिर आपको रियल लाइफ में शरारत करने को मिलती नहीं है, इसलिए फिल्मों में आप करते हो। यही सच है। तो रियल लाइफ में आप शरारती हो नहीं? नहीं, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा शरारती है। इसकी आंखों में, इसके जहन में, इसकी शक्ल पे सब शरारती भरी हुई है। मुझे ये बात अच्छी लगती है इसके बारे में, हमारी बड़ी जमती है। मैंने जितनी शरारतें सीखी है सब इससे सीखी। ये एक्टिंग गुरु, ये शरारत के गुरु। ये अच्छा स्टूडेंट है। सीखते हमसे लेकिन पैसे देते नहीं है। पर एक चीज और है अक्षय भाई, जैसे रितेश भाई और चंकी सर, ये हाउसफुल की सारी फ्रेंचाइज में है, तो आप रीजनेबल हैं या आपके पास प्रोड्यूसर का कोई वीडियो है? आई मीन प्रोड्यूसर के पास इन दोनों का वीडियो। अच्छा बम्पा जी, आप पहली तीन पार्ट में हो नहीं, आप तो आप वेट कर रहे थे कि पहले दुकान चलने दो, मैं जाके सीधा गल्ले में बैठूंगा। आपकी एंट्री कैसे हुई भाई हॉस्पिटल? क्योंकि इनके पास अक्षय का वीडियो है। भाई आपकी एंट्री कैसे हुई हॉस्पिटल फोर में? बस चार साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी, बॉबी पाजी हाउसफुल 4 की तैयारी बचपन से कर रहे थे। कैसे? मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ओ गॉड, ये देखिए धर्मवीर, धर्मपुत्र। द फिल्म वाज धर्मवीर, पिक्चर में धर्मपुत्र नाम है। अच्छा किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी पाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप, और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में बॉबी पाजी ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी है। बिल्कुल यही। पाजी ने धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था तो अंडरवेयर नहीं पहनता था, मुझे फ्रॉक पहना दिया। मैं बोला क्या पहना रहे हो पागल, इसमें इतनी शर्माली क्या बात है, ये तो अभी तक नहीं पहनता। ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो ना। ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी पाजी, एक सवाल था अर्चना जी का, ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं, तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती है, दिल से बताना कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी। अच्छा। की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूं कि तू कैसे आ गया। नहीं ये, लेकिन ये जल्दी उठ जाता। नहीं नहीं, मैं जल्दी उठ जाता। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता मुझे बहुत मजा आता है, और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4:00 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा, जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो उस गिर गया। मैंने हम लोग तो आएंगे लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। मैं हमेशा आता हूँ, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा स्क्रिप्ट नरेशन? व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं। लग भी रहा है? लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप बजट बैठिए। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा पाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? हाँ
तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों के याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। पूरा वो दो रहे। क्या हाल है सर? आपके स्कूल के दोस्त? हाँ स्कूल के दोस्त। ये तेरे को बताया ना, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ पिछली बार भी आए थे। हाँ ये जो पूरा तीन रो है ये उनका पूरा परिवार है। अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था भाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे। स्कूल टाइम मेरे को आई डोंट नो वेदर दे रिमेंबर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी, तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी, तो बैठे तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा, 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं और मैं भागता था, फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागता था, तब तक ये निकल जाते थे और फिर वो पकड़, फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे, टिकट टिकट काट टिकट काट, ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर सुपर। मैं मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था, तब तक ये लोग सब निकल जाते थे। माय गॉड। लेकिन 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मजबूरी थी उस समय, पैसे नहीं थे, अब क्या करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।